शिक्षा, तकनीक और रोजगार, बीते 10 सालों में हुआ हर क्षेत्र में विकास। वहीं स्वास्थ्य सेवाओं ने कायम की हर दिन नई मिसाल। 5 लाख रुपए के मुफ्त स्वास्थ्य बीमा के लिए आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जिसके तहत जारी किए गए हैं 30 करोड़ से ज्यादा आयुष्मान कार्ड। कम से कम 75% तक सस्ती दवाइयों के लिए 10,000 से अधिक जन औषधि केंद्र। देश भर में 1,64,000 से ज्यादा आयुष्मान आरोग्य मंदिर। बुनियादी स्वास्थ्य सेवाओं को सुगम करती पीएम अभीम और प्रधानमंत्री डिजिटल हेल्थ मिशन योजनाएं। मेडिकल कॉलेजों की संख्या में 82% की बढ़ोतरी से MBBS सीटों में 112% और पोस्ट ग्रेजुएट सीटों की संख्या में हुई 126% की बढ़ोतरी। भारत में इलाज को एफोर्डेबल बनाना हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता रही। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत स्वीकृत हुए 22 नए एम्स। इसी कड़ी में माननीय प्रधानमंत्री आज शिलान्यास करेंगे हरियाणा के एम्स रेवाड़ी का। मनेठी तहसील के ग्राम मात्रा में 200 एकड़ के विशाल भूखंड पर निर्मित हो रहा एम्स रेवाड़ी, जिसकी लागत है 1600 करोड़ रुपए, 35 स्पेशलिटी और सुपर स्पेशलिटी डिपार्टमेंट्स, पर्याप्त क्षमता के साथ OPD, IPD, ICU, इमरजेंसी और ट्रॉमा सेंटर, व्यापक परीक्षण के लिए अत्याधुनिक डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज, मॉडर्न एकेडमिक ब्लॉक, नर्सिंग ब्लॉक और उत्कृष्ट आयुष ब्लॉक, वहीं हॉस्टल ब्लॉक तथा डॉक्टरों और नर्सों के लिए रेजिडेंशियल ब्लॉक, साथ ही विश्व स्तरीय शोध की व्यवस्था। हाईवे से निकटता के कारण ट्रॉमा सेंटर की शक्ल में भी एम्स रेवाड़ी की भूमिका काफी अहम होगी, साथ ही ग्रामीण स्वास्थ्य व्यवस्था में भी दिखेगा अभूतपूर्व सुधार। एम्स रेवाड़ी के साथ उत्तर प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली को भी मिलेगा स्वास्थ्य लाभ का एक और व्यापक केंद्र। उच्च स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए माननीय प्रधानमंत्री तथा स्वास्थ्य मंत्रालय का लगातार प्रयास और आज एम्स रेवाड़ी का शिलान्यास स्वस्थ और समृद्ध भारत के संकल्प को नई दिशा देने जा रहे हैं।